नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपको स्केलर और वेक्टर के जो पिछले प्रॉब्लम थे विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको वही टॉपिक पे पार्ट नंबर टू जो है विद्यार्थी मित्रों, उसके जो प्रॉब्लम बचे हैं विद्यार्थी मित्रों, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा विद्यार्थी मित्रों। तो मतलब मैंने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम के जो प्रॉब्लम थे विद्यार्थी मित्रों, मैंने लिए थे। आपको पता ही होगा कि जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने लिया था। अभी मैं आगे वाले जो क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, वो मैं कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ स्केलर प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रॉपर्टीज एज वेल एज नल वेक्टर क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट मतलब दो वेक्टर है, वेक्टर ए और ए वेक्टर बी एक ही डायरेक्शन में मतलब जॉइन हो रहे, ऐसा कंसिडर करना। एक मतलब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे, दैट इज रिजल्टेंट। पॉजिटिव वेक्टर मतलब एक वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सेम विद्यार्थी मित्रों, बट जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाला है, मतलब वो पीछे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। जैसे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है वैसे ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव। एज वेल एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या कि जो रिजोल्यूशन वेक्टर होता है वेक्टर आर, वो वेक्टर आर कैसे विद्यार्थी मित्रों, वो मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। वेक्टर आर कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब वेक्टर आर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला विद्यार्थी मित्रों, फॉर्मूला यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैसा है विद्यार्थी मित्रों, मतलब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मतलब क्या है कि जो दो वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड जो होता है वो डायगोनलाइज होता है, बराबर है ना विद्यार्थी मित्रों। जैसे कि लॉ मतलब पैरेललोग्राम क्या है कि वेक्टर वेक्टर पॉइंट ओ है और पॉइंट पी वेक्टर पी वेक्टर क्यू, इसमें जो मीट होता है विद्यार्थी मित्रों दैट इज पॉइंट आर ओ पी क्यू ए, ऐसा जो वेक्टर आर है विद्यार्थी मित्रों दैट इज रिजल्टन कहते हैं। और रिजल्टन कैसे फाइंड आउट कर रहा है विद्यार्थी मित्रों, वो भी मैं आज आपको पढ़ूंगा। दैट इज ए बी मतलब सॉरी जो ओ ए ओ ए बी सी ओ ए बी सी जो है विद्यार्थी मित्रों लॉ मतलब पैरेललोग्राम है, और डी जो पॉइंट है वो डी पॉइंट, उसका यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसमें थीटा होता है विद्यार्थी मित्रों, और इसमें अल्फा टैन अल्फा क्या आता है विद्यार्थी मित्रों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब पहले जो आर की वैल्यू होती है वो आर रिजल्टेंट ऐसा करते निकलते, और डायरेक्शन जो डायरेक्शन है विद्यार्थी मित्रों डायरेक्शन मतलब अल्फा डायरेक्शन अल्फा अल्फा कैसे निकलते विद्यार्थी मित्रों, टैन इनवर्स क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा, क्यू मतलब पी प्लस क्यू क्यू साइन थीटा और पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ऐसा उसमें निकालते विद्यार्थी मित्रों। एक मिनट, यस क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये कैसे प्रूव है विद्यार्थी मित्रों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में लूंगा विद्यार्थी मित्रों, जैसे मतलब अभी मैं उनके ये जो टॉपिक है उनके बेस पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो लेक्चर नंबर टू जो है विद्यार्थी मित्रों, इसका मैंने पहले जो टॉपिक था विद्यार्थी मित्रों यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, वो मैंने बनाया है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं विद्यार्थी मित्रों कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो टॉपिक है मैंने बनाए। अभी मैं वही टॉपिक रिपीट न करता मतलब आगे वाला जो स्केलर और वेक्टर है वो पढ़ाऊंगा विद्यार्थी मित्रों। तो पहला जो प्रॉब्लम है विद्यार्थी मित्रों वो कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैं अभी पहला प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं। अभी देखिए टू फोर्सेस, पहला प्रॉब्लम टू फोर्सेस F1 and F2
टू फोर्सेस दे विद्यार्थी मित्रों, एफ वन एंड एफ टू, सपोज दैट टू फोर्सेस, ऐसा मतलब इमेजिन कीजिए दो फोर्सेस एक ही मीट हो रहे हैं, मतलब उनका रिजल्टन एफ होगा, बराबर है विद्यार्थी मित्रों? इसके ऊपर ही प्रॉब्लम है। अभी देखिए कैसे, टू फोर्सेस एफ वन एंड एफ टू ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑफ मैग्नीट्यूड, एक मिनट, ऑफ मैग्नीट्यूड 5N, ईच इंक्लाइंड इंक्लाइंड टू ईच अदर, एट 60 डिग्री, एक्स ऑन अ बॉडी, एक्स ऑन अ बॉडी, फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। देखिए विद्यार्थी मित्रों, मतलब इसमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, रिजल्टेंट क्या है विद्यार्थी मित्रों, मतलब ये जो टॉपिक है इसमें रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद्यार्थी मित्रों, तो मैं आज आपको वो रिजल्टेंट के जो टॉपिक है, मतलब रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था अभी मैंने वो राइट किया था ब्लैक बोर्ड पर, अभी वो फॉर्मूला का यूज करना है विद्यार्थी मित्रों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में क्या आएगा, देखिए गिवन गिवन में एफ वन एंड एफ टू वो तार मैग्नीट्यूड 5N, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 5N है, 5N, एन कैन टेक न्यूटन, न्यूटन इज द ग्रेट साइंटिस्ट एज वेल एज ग्रेट मैथमेटिशियन, प्रिंसिपी ऑफ मैथमेटिशियन, उनका जो जो मतलब उनको कहते ग्रंथ मंथ है, फिलासॉफर कहते हो, उनमें वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने उस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स में राइट किए विद्यार्थी मित्रों, दैट इज अ न्यूटन, इज आइजैक न्यूटन। बहुत सारे थ्री पार्ट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, तो रिएक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ, एंड एवरी बॉडी कैन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन फ्रॉम मोशन, बट इफ अनलेस फोर्स इज एक्सर्ट व्हेन द बॉडी इज कैन टेक्स प्लेस, मतलब क्या है जो बॉडी है वो रेस पर है तो रेस रेस पे रहेगी, बट जब मैं एक्सटर्नल फोर्स उस पर एड करूंगा तब बॉडी मूव होगी, दैट इज न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ। ऐसे बहुत सारे अभी वो जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करना है, देखिए मॉड एफ वन एंड मॉड एफ टू बोथ आर मैग्नीट्यूड ऑलवेज बी इक्वल, मतलब उनमें जो मैग्नीट्यूड है विद्यार्थी मित्रों वो सेम है, दैट इज 5N, 5N, एंड थीटा, दैट इज थीटा, मतलब वो जो लॉ पैरेललोग्राम है उसमें जो एंगल है विद्यार्थी मित्रों, मतलब क्या कि जो पैरेललोग्राम का जो एंगल है विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि अभी देखिए वो पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम ऐसा है बराबर, मतलब हे वेक्टर और हे वेक्टर उनमें जो एंगल है बीच वाला वो 60 डिग्री, मतलब वो 90 है, अभी 90 होगा उसमें ऐसा ऐसा है 45, अभी ये 60, ऐसा मतलब हे एक और हे एक उनमें 60 डिग्री बराबर। व्यू में डायग्राम फॉर्म करता हूँ विद्यार्थी मित्रों, देखिए कैसे, सपोज दैट वेक्टर ए और वेक्टर एफ वन एफ टू इनमें जो एंगल है विद्यार्थी मित्रों वो 60 डिग्री, यस वो क्या एंगल है 60 डिग्री, ऐसा बराबर विद्यार्थी मित्रों, और जो बीच वाला होगा वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट आपको क्या फाइंड आउट करना है उसका रिजल्टेंट फोर्स, यस मतलब क्या कि रिजल्टेंट रिजल्टेंट इक्वल्स टू वेक्टर एफ मोड ऑफ वेक्टर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ वन एफ टू कॉस ऑफ थीटा, ऐसे
उसमें जो फॉर्मूला विद्यार्थी मित्रों सॉल्व कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों कैसे, मॉड एफ वन स्क्वायर प्लस मॉड एफ टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉड ऑफ एफ वन प्लस एफ वन एफ टू कॉस ऑफ थीटा बराबर। विद्यार्थी मित्रों अभी देखिए मैं कैसे उसको मॉडिफाइड करता हूँ, अभी देखिए कैसे सॉल्व करना है। विद्यार्थी मित्रों रेफ इक्वल्स टू, देखिए रेफ इक्वल्स टू मॉड एफ वन, अभी मॉड एफ वन म्हणजे मतलब क्या कि फाइव स्क्वायर प्लस टू टाइम्स फाइव इंटू कॉस ऑफ सिक्सटी बराबर। विद्यार्थी मित्रों मतलब कॉस सिक्सटी क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, कॉस मतलब देखिए साइन का जो अपोजिट है वो कॉस है बराबर, साइन जीरो जीरो साइन साइन थर्टी और अपॉन टू साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू साइन फोर्टी फाइव दैट इज वन अपॉन रूट टू साइन नाइन्टी वन, वैसे ही कॉस जीरो वन कॉस नाइन्टी, कॉस नाइन्टी क्या होता है विद्यार्थी मित्रों जीरो ऑब्वियसली बराबर है ना, कि मतलब साइन का कोसाइन होता है वैसे हो। अभी देखिए कॉस सिक्सटी जो है वो साइन सिक्सटी का आंसर जो होगा वो साइन थर्टी का जो होगा वो कॉस सिक्सटी होगा बराबर। मतलब देखिए 25 प्लस 25 प्लस पचास पचास पंचाने पन्नास इंटू कॉस सिक्सटी वन अपॉन टू बराबर, कॉस सिक्सटी क्या होता है विद्यार्थी मित्रों अपॉन टू, मतलब ये क्या होगा 25 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज अंडर रूट ऑफ 75। अंडर रूट ऑफ 75 क्या होगा विद्यार्थी मित्रों आपको पता है क्या, 75 आपको पता नहीं होगा शायद बराबर, मैं आपको बताता हूँ कि 64 क्या होगा 8 बराबर, 64 8 होगा 9 मतलब 9 क्या होगा 81, बीच में वाला मतलब जो रिजल्टन है रिजल्टन क्या होगा 8 और 9 के बीच में, मतलब 9 से कम और 8 से ज़्यादा बराबर, मतलब 8.627 मतलब क्या 8.62 6.266210 ये रिजल्ट है विद्यार्थी मित्रों दैट इज न्यूटन। ये क्या है विद्यार्थी मित्रों न्यूटन, ऐसे ही एक प्रॉब्लम हो सॉल्व कर सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। देखिए अभी अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए विद्यार्थी मित्रों, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करना है देखिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम। फोर्स नेक्स्ट प्रॉब्लम है फोर्स फोर आई क्या प्लस सिक्स ए क्या प्लस थ्री के क्या, मतलब जो फोर्स है वो है नोट डाउन किया है विद्यार्थी मित्रों एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल produces a displacement displacement of s, जो displacement दिया विद्यार्थी मित्रों क्या है 2i cap plus 3j cap plus 5k cap y cap plus 3j cap plus 5k cap where f is expressed in newton, where f is expressed in newton and s is in a and s in a meter एस क्या रिप्रेजेंट करता है विद्यार्थी मित्रों मीटर, रेप क्या रिप्रेजेंट करता है विद्यार्थी मित्रों फोर्स दैट इज फोर्स है मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड द वर्क डन
बाय द फोर्स जो वर्क डन होता है विद्यार्थी मित्रों, हो क्या होगा विद्यार्थी मित्रों वो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। मतलब वर्क डन की जो फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन का यूज करके मतलब वर्क डन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो फॉर्मूला है विद्यार्थी मित्रों दैट इज वर्क इज नथिंग बट अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कैन यूज टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, वर्क इक्वल्स टू इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बोथ आर यूज इन अ फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज बी वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई use the formula of work, formula of work equals to force into displacement, yes force into displacement f dot s matlab dot product fs cos of theta, but force or displacement matlab kya hai vidyarthi mitro dekhiye abhi ye pen hai, pen aisa hai aur maine us pe aisa force exert kiya aisa स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब क्या है कि दैट इज एंगल इन बिटवीन टू एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज बी जीरो, इट इज कॉस थीटा ऑलवेज बी जीरो, थीटा कैन टेक जीरो, मतलब वर्क इक्वल्स टू एफ इनटू एस कॉस ऑफ जीरो, एफ क्या है विद्यार्थी मित्रों फोर आई क्या प्लस सिक्स ए क्या प्लस थ्री के क्या इंटू टू आई क्या प्लस थ्री जे क्या प्लस फाइव क्या इंटू कॉस जीरो ऑलवेज बी वन, कॉस जीरो ऑलवेज बी वन 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 कॉस जीरो वन, अभी क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों फोर चार दून आठ आई डॉट आई प्लस वन, देखिए विद्यार्थी मित्रों ये भी रिमाइंड करना आई डॉट आई इक्वल टू वन आई डॉट जे इक्वल टू जीरो आई डॉट के इक्वल टू जीरो जे डॉट जीरो जे डॉट जे इक्वल टू वन जे डॉट के इक्वल टू जीरो के डॉट आई इक्वल टू जीरो के डॉट जे इक्वल टू वन जीरो के डॉट के इक्वल टू वन, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट्स स्केलर वेक्टर्स और स्केलर वेक्टर ऑन बिटवीन टू मैग्नीट्यूड्स इट इज टू पॉइंट्स आई डॉट आई, ऐसा ध्यान में रखना विद्यार्थी मित्रों। अभी नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो कैसे सॉल्व करना है देखिए, अभी एच ओ काट प्लस आई डॉट जी इक्व टू जीरो आई डॉट के इक्व टू जीरो जे डॉट आई इक्व टू जीरो तांत्रिक अठारह एटीन प्लस वैसे थ्री 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 पंद्रह वर्क इक्वल्स टू पंद्रह प्लस फिफ्टीन प्लस एटीन मतलब आठ प्लस तेरह दोन अच्छा ला एक तीन तेईस तेईस प्लस एट सॉरी हाँ सॉरी टू से विद्यार्थी मित्रों, देखिए अभी ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, मेरे पीछे वाला जो प्रॉब्लम विद्यार्थी मित्रों वो कैसे सॉल्व करना है मैं आज आपको बताऊंगा विद्यार्थी मित्रों कि मैंने है मतलब सिर्फ उसका लास्ट वाला जो ऑप्शन था विद्यार्थी मित्रों वही सॉल्व करना था, बाकी तो पूरा का पूरा टर्म निकाल दिया था विद्यार्थी मित्रों। अभी वो लास्ट वाला जो है विद्यार्थी मित्रों मतलब इसका आंसर क्या आएगा 18 प्लस 50 दैट इज 33 प्लस 8 दैट इज 41 जूल, दैट इज 41 जूल, इसका आंसर क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों 41 जूल, 1 जूल हाउ मेनी अर्ज दैट इज 1 जूल इक्वल टू 10 टू 5 अर्ज और 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू 5 डाइन नॉट सॉरी सॉरी 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू 5 डाइन 1 जूल इक्वल टू 10 टू 7 अर्ज, कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो पहला जो लेक्चर था विद्यार्थी मित्रों प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा टॉपिक मिलेगा विद्यार्थी मित्रों 101% श्योरिटी देता हूँ विद्यार्थी। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लास्ट वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे विद्यार्थी मित्रों और इसके बाद देखते विद्यार्थी मित्रों लास्ट वाला क्वेश्चन, देखिए अभी एक और एक क्वेश्चन और मतलब कैसे सॉल्व करना है देखिए, इफ फैक्टर ए
विद्यार्थी मित्र केमिस्ट्री के भी कुछ प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा, बस खिचड़ी हो गई तरह। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो इनके रिलेटेड है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के ही टॉपिक लूंगा विद्यार्थी मित्रों। और फिजिक्स इज इक्वल टू फिजिक्स, देखिए इफ इक्वल टू ए 7J प्लस 3K। मैं बहुत स्टडी करूंगा विद्यार्थी मित्रों, सिर्फ मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आपका। जितना ज्यादा रिस्पॉन्स देंगे उतना ज्यादा मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, वो करता रहूंगा, वो करता रहूंगा। जितना ज्यादा स्टडी उतना ज्यादा सक्सेस। एंड वेक्टर बी टी आर टू जी प्लस 5K, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। मतलब जो कंपोनेंट ऑफ ए विद्यार्थी मित्रों हो, उसका अलोंग बी क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? ए कॉस थीटा इज इक्वल वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ बी। ध्यान में रखना विद्यार्थी मित्रों, ए कंपोनेंट ए मतलब इधर द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी होगा, तो ऐसा लिखने का, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए होगा तो उलट लिखने का। मतलब देखिए वेक्टर ए कॉस थीटा इज इक्वल वेक्टर ए मतलब 2i प्लस 7j प्लस 3K, अभी क्या आएगा 3i प्लस 2j प्लस 5K अपॉन मोड ऑफ रूट ऑफ क्या आएगा तो 3i मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 25। डायरेक्टली आंसर विद्यार्थी मित्रों, ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा विद्यार्थी 6 आधुनिक 14 प्लस 15 अपॉन रूट ऑफ 9। 94 मतलब 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? 13 25 38 दैट इज 25 मतलब 14 अपॉन 38 मतलब ए कॉस थीटा मतलब क्या आएगा 35 अपॉन ड्रॉप 38 है विद्यार्थी मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा विद्यार्थी मित्रों तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।